अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलरामपुर के तहसीलपुर विधानसभा से बीएसपी नेता ज़ेबा रिजवान। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका क्या संदेश। ज़ेबा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़ेबा जी, एक महिला होने पर और साथ ही एक आप नेता भी हैं, तो ऐसे में आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कैसे मैनेज होता है ये सब? मैनेज हम लोग सुपर हीरोज हैं, औरतें सुपर हीरोज होती हैं, और मैनेजमेंट में तो वी कैन ऑलवेज मैनेज। ज़ेबा जी, ये भी जाने कि आज की महिलाओं को क्या संदेश दे रही हैं आप, खासतौर पर महिला दिवस पर जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के वक्त में और पहले के वक्त में काफी बड़ा बदलाव भी आया है, और आज अगर हम बात कर रहे हैं महिलाओं को आगे लेकर जाने के लिए, तो आपकी तरफ से क्या संदेश होगा वो? पहले तो मुझे नहीं लगता कि महिला की शक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन काफी है। जी, मुझे लगता है हर दिन महिला दिवस है, हर दिन शक्ति का पर्व है, और हर दिन उत्सव है इंसानियत का, जिसकी केंद्र बिंदु औरत होती है। ज़ेबा जी, ये भी जानेंगे कि आप बीएसपी नेता हैं, जिस तरीके से आपका सफर रहा होगा, जाहिर सी बात है कुछ कठिनाइयां भी सामने आई होंगी, तो क्या रहा वो एक्सपीरियंस, वो शेयर करें। जी, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है एक औरत होके पॉलिटिक्स में होना, क्योंकि इट्स नॉट इजी फॉर अस, बिकॉज हम लोगों को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जैसे हर क्षेत्र में किया जाता है औरतों को। लेकिन मुझे लगता है वी आर ब्रेव इनफ टू ओवरकम दोज हर्डल्स, और हम उस हर्डल को क्रॉस करके ज्यादा बेहतर एक जो भी कहिए अपने जॉब पे परफॉर्म कर पाए। ज़ेबा जी, आने वाले वक्त को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि जो पहले का वक्त था और आज के वक्त में हम देखते हैं महिला और पुरुषों को लेकर, क्योंकि महिला और पुरुषों को इक्वलिटी दी गई है, आजकल इक्वल ही माना जाता है, लेकिन जो कठिनाइयां महिलाएं सामना करती हैं, उन कठिनाइयों का अपने सपनों को साकार करने के लिए किस तरीके से उनको एनकरेज करना चाहिए, क्या मंत्र देना चाहेंगी? देखिए, पहली चीज तो ये कि हर औरत जो ये मेरा प्रोग्राम सुन रही है, आप सबको मैं बधाई देती हूँ, और आप लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उसका समाधान भी निकाला, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोग बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए महिला सशक्तिकरण हो रहा है, और जहाँ पुरुषों का एक अधिकार था वो भी आपने तोड़ा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आप एयरफोर्स में हो, चाहे आप कमर्शियल पायलट हो, आपका जगह अपना अधिकार जमा रही है और आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाइयां देती हूँ। और पहले के समय में और आज के समय में यही फर्क है कि अब हमने हर फर्क निकाल दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ेबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, बहुत शुक्रिया।